हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज हम जेके एसएसबी का जो इंग्लिश का पोर्शन हमने स्टार्ट किया था उसमें हम आज आर्टिकल समझने जा रहे। दो पार्ट्स में वीडियो कंप्लीट हो गई। आज आपको सभी बेसिक्स करवा दूंगा और कल की वीडियो में सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे। हालांकि आज भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा पीडीएफ प्रैक्टिस वाला, बट कल कुछ और हम एक हाई लेवल पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में। बट आज हम आर्टिकल का बेसिक कंप्लीट करने जा रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। आपको सब कुछ अच्छे से समझना है, बिल्कुल जो होता है ना बेस बनाना, वो आज की वीडियो में हम वो काम करेंगे। सबसे पहले समझोगे आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल के यूजेस वगैरह तो हम समझ लेंगे, बट पहले समझोगे आर्टिकल होता क्या है, कहाँ पर यूज़ होता है। जब हम आर्टिकल की बात करते हैं ये एक्चुअली में क्या करता है, एडजेक्टिव का पार्ट होता है, पैसे कह सकते हो। अगर नहीं समझ आए कोई इशू नहीं, आगे इस लाइन को समझो। यहाँ पर कहा गया है आर्टिकल इज यूज्ड फॉर द नाउन। आर्टिकल को हम किस लिए यूज़ करते हैं, नाउन वगैरह के साथ हम इसे यूज़ करते हैं और हमेशा नाउन से पहले यूज़ करते हैं। याद रखना आर्टिकल कहाँ पर यूज़ करेंगे, जहाँ पर आपको नाउन दिखेगा वहाँ पर आप, मतलब नाउन के साथ आप आर्टिकल यूज़ करते हो, ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, और नाउन से पहले यूज़ करते हो। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अभी भी नहीं समझ आया कोई बात नहीं, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। जेके एसएसबी का इंग्लिश जो वहाँ पे तो काम आएगा ही आएगा, जेके बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पर भी ये काम आने वाला है, बेस आप सबका सेम रहने वाला है। इतना आपको समझ आ गया आर्टिकल होता क्या है, कहाँ पर यूज़ होता है। आर्टिकल हमेशा नाउन को मॉडिफाई करने का काम आता है या फिर नाउन के साथ यूज़ वगैरह होता है, वो आपको समझ आ गया। ठीक है, आर्टिकल्स होते कौन से, ए एंड द, ये वाले आर्टिकल्स रहते हैं, वहाँ पर हम थोड़ी देर में आएंगे। अब हम आर्टिकल की पोजीशन के बारे में बात कर रहे थे ना, मैंने कहा आर्टिकल जो है वो हमेशा नाउन से पहले रहेगा, पहले आर्टिकल आएगा फिर आपके पास नाउन आएगा। इसके एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे आप बोल सकते हो हुई इज अ बॉय, या बोल सकते हो ना यहाँ पे बॉय क्या, आपके पास एक नाउन है, बॉय क्या है आपके पास एक नाउन है, ये आपके पास आर्टिकल है, कहाँ पर यूज हुआ, नाउन से पहले यूज हुआ ना, तो आपके पास आर्टिकल आ गया। पोजीशन आपको समझ आ रही है आर्टिकल की पोजीशन क्या है। कई बार क्या होता है कंपेटिटिव में ऐसा हो जाता है कि नाउन के बाद आपको यूज किया जाएगा, वो हालांकि क्वेश्चन करवाऊंगा तभी आपको समझ आएगा। पोजीशन याद रखना छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नाउन कहाँ पर हम यूज करेंगे, नाउन नहीं आर्टिकल हम कहाँ पर यूज करेंगे, हमेशा नाउन से पहले। अब इसका मतलब ये नहीं कि नाउन के बिल्कुल साथ में ऐड करना है, कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको कहा कि जो आर्टिकल्स हैं वो एडजेक्टिव का एक हिस्सा रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पहले आर्टिकल आ जाएगा फिर आपके पास एडजेक्टिव होगा फिर उसके बाद नाउन होगा, मतलब ज़रूरी नहीं कि नाउन के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, बस मैं कहने का मतलब ये कि नाउन से पहले रहेगा। अगर इसी सेम एग्जांपल को मॉडिफाई करें हम कैसे बोल सकते हैं, ही इज़ अ गुड बॉय, हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना, ही इज़ अ गुड बॉय। अब यहाँ पर क्या है, देखो आर्टिकल आपको यहाँ पर भी दिखा, नाउन आपको यहाँ पर भी दिखा, बट पीछे एडजेक्टिव जो इस बॉय को क्वालिफाई करने की कोशिश करे कि बॉय कैसा है, वो अच्छा है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव भी आ गए ना आपके पास, तो आर्टिकल जो है वो ज़रूरी है कि नाउन के साथ ही जुड़ा रहेगा। नाउन से पहले एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव से पहले भी आ सकता है, कहने का मतलब है नाउन से हमेशा पीछे रहेगा। कभी ऐसे भी हो सकता है पहले आर्टिकल होगा फिर आपके पास एडवर्ब रहेगा फिर आपके पास एडजेक्टिव रहेगा फिर आपके पास नाउन रहेगा। आपको दिख नहीं रहेगा क्लियरली बट जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझते जाना। इसके एग्जाम्पल लेके चलो, ऐसा हो सकता है कि ही इज अ वेरी गुड बॉय, ऐसे भी हो सकता है ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर भी आपको नाउन देखने को मिल रहा है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है और आर्टिकल भी है, तो फिर से आपको बता रहा हूँ किसी भी तरह की फॉर्मेशन हो सकती है, आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले रहने वाला है, पहले आर्टिकल आएगा उसके बाद ही नाउन आएगा, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और कभी भी अगर एडजेक्टिव आ जाएगा तो एडजेक्टिव से पहले आएगा, ऐसा कभी नहीं होगी एडजेक्टिव के बाद आप आर्टिकल लगाओगे, और अगर एडवर्ब भी आ गया तो एडवर्ब से भी पहले आएगा, बिल्कुल बेसिक सा फंडा है। हालांकि आपके एग्जाम में ये काम नहीं आने वाला बेसिक्स वगैरह जो आपको बता रहा हूँ, बट इस पर बेस क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए समझना ज़रूरी है। ये जो बेस आपको बता रहा हूँ ना ये जेके एसएसबी में काम नहीं आएगा आपके, जेके एसएसबी में मतलब इतने डीप में नहीं जाते, वहाँ पे सिंपल ए एंड दे के यूज़ वगैरह जो उस पर क्वेश्चन होंगे ना बेस वो वाले आएंगे, सिंपल आपको एग्जांपल जो करवाऊंगा ये आपको करवा रहा हूँ। अगर आप जेके बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो ना बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है जिसे पढ़ाते वक्त छोड़ दिया जाता है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको भी समझा के चलूँ। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते थोड़ा आगे की तरफ, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं जो टी एच ई वर्ड आपको देखने को मिल रहा है इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, क्या इसे दा कहा जाता है या फिर इसे दी कहा जाता है। कभी कभी कुछ आप देखते हो गए, आप खुद भी अब यूज़ करते हो गए, कभी कभी आप इसको दा बोलते हो, कभी कभी आप इसको दी बोलते हो, तो कब इसको दा बोलना है कब इसको दी बोलना है वो थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर करने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। याद रखना जब भी वोवल साउंड आपके पास आएगा ना, देखो ए ई आई ओ और यू,
ये इंग्लिश में वो वॉवल्स हैं, ये कौन है जो इंग्लिश आपके पास अल्फाबेट्स हैं, लेटर्स हैं आपके पास ए बी सी डी करके, उसमें से जो 5 जो 26 लेटर हैं उसमें से 5 लेटर ऐसे हैं या 5 अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो वॉवल्स हैं, इन्हें हम वॉवल्स कहते हैं, ठीक है। वॉवल अलग है और वॉवल साउंड अलग है। मैं यहाँ पर बात करूँगा वॉवल साउंड की। वॉवल साउंड मतलब जहाँ पर अ ई आई ओ यू इस तरह की आवाज़ें आती हैं, हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल लेंगे, जहाँ पर भी ये वॉवल वाली साउंड रहेगी ना, वॉवल साउंड, वहाँ पर आप दी यूज़ क्या करोगे, जहाँ पर भी वॉवल होगा वहाँ पर आप ये दी यूज़ क्या करोगे, ठीक है। और जहाँ पे वॉवल साउंड नहीं होगी, जहाँ पे कॉन्सोनेंट वाली साउंड होगी, वहाँ पर आप द यूज़ करोगे। जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बॉय, अब ये क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ब से स्टार्ट हो रहा है, बॉय मतलब ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ब क्या है, बा तो वॉवल साउंड देता ही नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे द बॉय, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, द बॉय। जब हम एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल है ना, ए ए से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें पता है ए ई हो आई हो ओ हो या ऊ हो, इस तरह की जो भी आवाज़ होती है वो वॉवल साउंड होती है। एप्पल है ना, एप्पल ए ए वाली साउंड यहाँ पर आ रही है, इसका मतलब हमारे पास वॉवल हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर हम द एप्पल नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे दी एप्पल, ये हो गया। क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे दी एप्पल। तो द आपको समझ आ गया कब यूज़ करना है, दी आपको समझ आ गया कब यूज़ करना है। अब हम चलते हैं आर्टिकल्स की तरफ, जो बेसिक आप बचपन में पढ़ते थे कि आर्टिकल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स और हमारे पास तो डेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है। इनडेफिनेट की बात करें, यहाँ पर ए बोल लो या फिर एन बोल लो, ये हमारे पास होते हैं इनडेफिनेट। और अगर डेफिनेट की बात करें, जो द आर्टिकल हमारे पास रहता है वो हमारे पास डेफिनेट रहता है, ड से स्टार्ट हो रहा है ड, तो मैंने क्या बोलते, द बोल दिया, ठीक है। तो क्योंकि मुझे पता है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो जब भी हम बात करते हैं ए या फिर एन की, इन्हें हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, और जब हम बात करें द की, इसे हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। अब इसका मतलब क्या है इनडेफिनेट या डेफिनेट का, डेफिनेट का मतलब है कोई चीज़ पर्टिकुलर है आपके पास, कोई चीज़ स्पेसिफिक है, अगर वैसी कंडीशन है द हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। ए या फिर एन हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ पर्टिकुलर ना हो, कोई चीज़ स्पेसिफिक ना हो। नहीं समझ आ रहा है, एग्जाम्पल देते हैं आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर बोलेंगे This is a house, हम बोलेंगे This is a house, यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया है, यहाँ पर मैंने indefinite article यूज़ किया है, noun आ गया उससे पहले हमने article यूज़ किया है। This is a house, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर article कौन सा यूज़ किया है, indefinite, क्यों, क्योंकि हमने simple कहा कि ये घर है, ये मेरा घर है या फिर ये घर है, हमने simple इस तरह से बोल दिया, तो कोई चीज़ स्पेसिफिक तो नहीं है यहाँ पर। बट इसी सेंटेंस को अगर मैं मॉडिफाई कर दूँ, यहाँ पर मैं बोलूँ दिस इज द हाउस वेयर आई लिव, ये वो वाला घर है जहाँ पर मैं रहता हूँ, एक पर्टिकुलर मैं घर के बारे में बता रहा हूँ ना, एक स्पेसिफिक पोजीशन के बारे में बता रहा हूँ कि हाँ यही घर है जहाँ पर मैं रहता था, तो यहाँ पर एक डेफिनेट चीज़ हो गई है। तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर मैंने द आर्टिकल यूज़ कर लिया, नाउन हमारे पास था उससे पहले मैंने द आर्टिकल यूज़ कर लिया, क्लियर हो गया। अब हाउस है ना, हाउस तो एच से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने द बोलूंगा यहाँ पर, दिस इज द हाउस बोलूंगा, क्लियर हो गया। यहाँ पे फिर से क्लियर करूंगा आपको, यहाँ पे था दिस इज अ हाउस, कोई भी घर हो सकता है, सिंपल घर है, तो यहाँ पे ये डेफिनेट नहीं है, कुछ पर्टिकुलर नहीं है, कुछ स्पेसिफिक नहीं है, इसीलिए इसको बोल दिया इनडेफिनेट आर्टिकल। बट जब मैं डेफिनेट आर्टिकल की बात करता हूँ, मैंने कहा दिस इज द हाउस वेयर आई लिव, ये वो घर है जहाँ पर मैं रहता हूँ, तो यहाँ पर मैं स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर घर के बारे में बता रहा हूँ, तो ये डेफिनेट चीज़ है ना, इसलिए मैंने द यूज़ कर लिया। आपको समझ आ रहा होगा इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है और डेफिनेट का मतलब क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ, अगर एग्जाम्पल लेके चलूँ, मैं बोलूँगा समबॉडी कॉल अ पुलिस मैन, कोई किसी पुलिस मैन को बुला दो, मैंने कहा समबॉडी प्लीज़ कॉल अ पुलिस मैन, कि प्लीज़ किसी पुलिस मैन पुलिस वाले को बुला के लाओ, तो यहाँ पे कॉल आप पुलिस मैन मैंने बोल दिया ना, कि आप पुलिस मैन किसी भी पुलिस वाले को बुला के लाओ, कोई स्पेसिफिक तो नहीं है, इसलिए मैंने क्या कहा, जब मैंने कहा आपको दिख नहीं रहा होगा मार्कर से, मैं दूसरा मार्कर यूज़ कर लेता हूँ और थोड़ा सा स्पेस के चक्कर में थोड़ा कम करूँ, यहाँ पे समबॉडी, मैंने कहा समबॉडी प्लीज़ नहीं लगा रहा यहाँ पे, ठीक है, कॉल अ पुलिस मैन शॉर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे समबॉडी कॉल अ पुलिस मैन, कोई पुलिस मैन को बुलाओ, तो यहाँ पे मैंने ए आर्टिकल यूज़ किया, किसी भी पुलिस वाले को बुला के लाओ, कोई डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, इसलिए मैंने ए यूज़ कर लिया। तो ए और एन आपको समझ आ रहा होगा इनडेफिनेट आर्टिकल्स कैसे होते हैं। अब मैं बात करता हूँ पुलिस मैन की, अब यहाँ पर क्या है, अब इसकी दूसरी एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैंने कहा आई वॉज हैप्पी टू सी द पुलिस मैन हु सेव्ड माई कैट, मैं खुश हो गया था उस पुलिस मैन को देखकर जिसने मेरे कैट को बचाया था। किसी स्पेसिफिक पुलिस वाले की बात करूँ जिसने मेरे कैट को बचाया था, उसे देखकर मैं खुश हो गया, कोई पर्टिकुलर पुलिस वाला है, कोई डेफिनेट चीज़ की बात करूँ, स्पेसिफिक चीज़ की बात करूँ, यहाँ पर मैंने आर्टिकल कौन सा यूज़ किया, यहाँ पर मैंने आर्टिकल यूज़ किया द।
पुलिस है ना, प से आवाज आ रही है, इसका मतलब वॉवल साउंड तो है नहीं। वॉवल साउंड हमारे पास कौन सी थी, ए ई आई ओ यू, या फिर हिंदी की बात कर जो पहले दो लाइन थी ना, ई ऊ ए, वो भी लाइन जो थी वो वॉवल साउंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे प से स्टार्ट होता है ना, प वॉवल साउंड तो नहीं है, तो बोलूंगा आई वॉज हैप्पी टू सी द पुलिसमैन, दी पुलिसमैन नहीं बोलूंगा, द पुलिसमैन बोलूंगा। इतना आपको समझ आ गया होगा, डेफिनेट आर्टिकल क्या थे, इनडेफिनेट आर्टिकल वगैरह क्या थे, वो सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको बात करूँ ना, ए ई आई ओ यू वॉवल्स हैं हमारे पास, बट यहाँ पर आपको वॉवल वाला कंसेप्ट नहीं यूज़ करना है, यहाँ पर वॉवल साउंड वाला कंसेप्ट यूज़ करना है। वॉवल साउंड की जब मैं बात करता हूँ, फोनेटिक साउंड की बात करें, वो अलग है, हम इतना डीप में नहीं जाएंगे फोनेटिक्स की तरफ, बट सिंपल याद रखना वॉवल साउंड की तरफ ध्यान देना। अब हम एग्जाम्पल करेंगे, आपको और क्लियर होता जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए और एन, हम सिर्फ इनडेफिनेट आर्टिकल्स की यहाँ पर बात करेंगे, सिर्फ ए और एन की यहाँ पर हम बात करेंगे। एन को आपने कब कब यूज़ करना है, जब भी आपको कोई नाउन या फिर अगर मैं सिंपल वर्ड की बात करूँ, अगर जो भी वो वर्ड आपको देखेगा, अगर एन की मैं बात करूँ, अगर वो वॉवल वाले साउंड से निकलता होगा ना, अगर उसके साउंड जो भी वो वॉवल वॉवल वर्ड की बात नहीं कर रहा, लेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर वो साउंड जो है वो वॉवल वाली आती होगी, तो आप यहाँ पर एन को यूज़ करना। इतना क्लियर हो गया। और ए कब यूज़ करोगे, जब आपको वॉवल साउंड ना आती हो तब आप यहाँ पर ए वाला यूज़ करोगे। इतना आपको समझ आ गया, फिर से रिपीट करूँगा, एन आपने कब यूज़ करना है, जब भी वॉवल वाली साउंड आएगी, मतलब आ ई ऊ ए ओ, इस तरह की अगर आपको आवाज़ आएगी, आपने वहाँ पर एन आर्टिकल यूज़ कर लेना, बाकी आपने ए यूज़ कर लेना है। हालांकि इसके पीछे की कहानी सुनाऊँ तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर एन आप कहाँ पर यूज़ करते हो, ऐसे वर्ड्स जहाँ पर आपकी जो आवाज़ वोकल साउंड्स होते हैं ना, जो आपको डायरेक्ट जहाँ पे, जैसे आप बोलोगे ना म म, आपकी लिप्स टच हो रहे हैं, या आपकी लिप्स की यहाँ पे कोई ना कोई मूवमेंट हो रही है, एनर्जी वगैरह लग रही है, ऐसे जो भी साउंड होती है वहाँ पर कभी भी एन को नहीं यूज़ करते, वहाँ पर ए को यूज़ करते। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, कहने का मतलब वही है, वॉवल साउंड और कंसोनेंट साउंड, बट इसका रूट में आपको समझाने की कोशिश करूँ। एन कहाँ पर यूज़ करते, जैसे अ, आप बोलोगे ना अ, आप मुंह खोल के बोल सकते हो, तो लिप्स को जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, अंदर टंग की मूवमेंट की जरूरत ही नहीं है, ई टंग की मूवमेंट की जरूरत ही नहीं है। आप बोलो म म ल ब प क, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट वगैरह एफर्ट वगैरह लगता है, हालांकि वो फोनेटिक्स की कहानी अलग है, बट आप सिंपल ये फंडा समझना कि जहाँ पर भी वॉवल वाली साउंड आ जाए वहाँ पर आप एन यूज़ करना, इतना फंडा याद रखना, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लेके चलें, जैसे यहाँ पर आपको दिखता है आइडिया, अब यहाँ पर हम थोड़ी सी एग्जांपल्स ले रहे हैं, फिर हम द का यूज़ देखेंगे, उसके बाद बाकी एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है आइडिया, आइडिया है ना, आइडिया। अब यहाँ पर इसका वर्ड देखो, आई मत देखो, लेटर्स नहीं देखना, यहाँ देखना आप साउंड की तरफ देखना, आवाज़ कैसी आ रही है। अपने बोला ना आइडिया, आइडिया, तो अ से स्टार्ट हो रहा है ना, आइडिया अ अ, ऐसे चल रहा है आवाज़, तो अ से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एन लगा देंगे, तो एन आइडिया बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यंग मैन है ना, यंग मैन, अब य से आवाज़ आ रही है, यंग मैन य से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब वॉवल साउंड तो है ही नहीं, यहाँ पर हम ए लगा देंगे। क्लियर हो गया। यूनिक आइडिया की बात करते हैं, यूनिक आइडिया है ना, य से स्टार्ट हो रहा है, यूनिक य से स्टार्ट हो रहा है, हम ए लगा देंगे। एमएलए की बात करते हैं, एम पर फोकस मत करो, प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करो, एमएलए एमएलए, ए से स्टार्ट हो ना, एम कैसे बनेगा, अगर मैं हिंदी अगर बताऊँ तो ऐसे बनेगा ना, एम एमएलए, तो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एन लग जाएगा। क्लियर हो गया, प्रैक्टिस करेंगे और आ जाएगा। आई ए एस, आई है ना, अ से स्टार्ट हो रहा है, फिर बन रहा है आई, आई ए एस, तो यहाँ पर भी एन लग जाएगा, वॉवल साउंड थी। यूनिवर्सिटी, य से स्टार्ट रहा है, यूनिवर्सिटी य से, तो यहाँ पर ए लग जाएगा। क्लियर हो गया, आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। ऑनेस्ट मैन, ये क्या है, ऑनेस्ट, एच नहीं यहाँ पे बोलते हैं, साइलेंट रहता है, ऑनेस्ट मैन, अ से स्टार्ट हो ना, ऑनेस्ट मैन, अ और ऑनेस्ट बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। यूरोपियन की बात करें, यहाँ पे य से स्टार्ट हो रहा है, यूरोपियन, य से स्टार्ट हो रहा है, ए आ जाएगा। एस्ट्रे, ए से स्टार्ट हो रहा है ना, एस्ट्रे, ए से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर लग जाएगा एन। तो आपको समझ आ रहा होगा ए कहाँ पर यूज़ करना है, एन कहाँ पर यूज़ करना है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। कुछ बेसिक्स और करते हैं, फिर हम चलते हैं द के यूज़ की तरफ, फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स और करेंगे। अब यहाँ पर देखो, जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स बता रहा था उसकी छोटी सी चीज़ और समझ लो। हम नाउन की बात करते हैं ना कि नाउन से पहले लगता है, तो नाउन आपको पता होगा काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो, जिसको आप गिन सकते हो, अनकाउंटेबल्स को नहीं कर सकते, वैसे भी आप समझ सकते हो। काउंटेबल में सिंगुलर भी आता है, सिंगुलर काउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल। जब भी हम बात करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन की ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की, वहाँ पर अपने आर्टिकल ए या फिर एन यूज़ करना है। बट जब हम बात करेंगे प्लूरल की, नाउन की बात करेंगे,
वो चाहे काउंटेबल है बट वो प्लूरल होगा, वहाँ पे आर्टिकल हम ए एन नहीं यूज़ करेंगे, और अनकाउंटेबल में भी आर्टिकल ए एन नहीं यूज़ करेंगे। इस चीज़ को समझना, आपके जो एरर वाले क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे काम आता है। जैसे अगर कहीं पे लिखा होगा बॉय, आप बॉय से पहले आर्टिकल यूज़ करोगे, वो काउंटेबल भी है सिंगुलर भी है, बट कहीं पे लिखा होगा बॉयज़ तो उससे पहले आप आर्टिकल नहीं यूज़ करना। या अनकाउंटेबल की बात करें, कहीं पे लिखा हुआ है ना, जैसे मान के चलो एयर लिखा हुआ है, तो एयर से पहले आप यहाँ पे आर्टिकल वगैरह नहीं यूज़ करोगे। ए और एन की बात कर रहा हूँ, दा किसी किसी कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं बट वो अलग बात है, मैं यहाँ पर आपको ए और एन की बात बता रहा था। अब हम चलते हैं थोड़ा दा के यूज़ की तरफ, कि हम दा को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। देखो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने वाले अपने बचपन में पढ़ी भी होंगी, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि दा का मतलब, दा कौन सा आर्टिकल है। दा हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है, जहाँ पर भी कोई स्पेसिफिक चीज़ आ जाएगी, पर्टिकुलर चीज़ आ जाएगी, दा को यूज़ कर लेना। कोई भी रिवर का नाम होगा, द गंगा, द यमुना, गंगा यमुना, उससे पहले दा लगा दो, द गंगा द यमुना, क्लियर हो गया। हिस्टोरिक कोई भी प्लेसेस होगी, द ताजमहल, द आगरा, तो उससे पहले दा का यूज़ करना है। कोई डेजर्ट होगा, द सहारा, द थार, इस तरह से वहाँ पे आप डेजर्ट के नाम से पीछे दा लगा दो। ओशंस होंगे, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, ओशन के नाम से दा लगा रहा हूँ मैं। सुपरलेटिव्स होंगे, बिगेस्ट, लार्जेस्ट, द बिगेस्ट, द लार्जेस्ट, द हैवीएस्ट, उससे पहले भी दा लगा रहा हूँ ना, बिगेस्ट लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री जो है। माउंटेन रेंजेस की बात करूँ, द हिमालयास, आप सुनते होगे ना, तो उससे पहले क्या लगा दिया, दा लगा दिया। इतना क्लियर हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास कोई कंडीशन गिवन है, कोई आप किसी से बात कर रहे हो, आपने उसको किसी चीज़ के बारे में बताया और उसको पहले से ही पता था, आप वहाँ पे दा यूज़ कर लोगे। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आई हैव अ डॉग, अगर यहाँ तक की कहानी होती कि आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक डॉग है, आपने यहाँ पे आर्टिकल कौन सा लगा दिया, ए लगा दिया। क्यों? क्योंकि आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक डॉग है, तो यहाँ पे डी क्या है, मतलब ड है ना, ड, तो यहाँ पे कौन सी साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, वोवल साउंड तो आ नहीं रही, मैंने ए लगाना था। बट जब मैंने अब उस जो लिसनर था उसको दोबारा से आगे एक्सटेंड की बात, उसको मैंने बताया द डॉग इज़ ब्लैक, जो डॉग मेरे पास है वो ब्लैक है। अब जो लिसनर था उसको समझ आ गया था मेरे पास एक डॉग है, उसको इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल गई है। अब मैं उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसी के बारे में कुछ और बता रहा हूँ ना, तो वहाँ पर हम द यूज़ करेंगे। अब मैं ए डॉग इज़ ब्लैक नहीं बोलूँगा, अब मैं बोलूँगा द डॉग इज़ ब्लैक। क्यों? क्योंकि उसको मैंने बता दिया मेरे पास डॉग है। अब मैं उस स्पेसिफिक डॉग के बारे में बता रहा हूँ कि वो ब्लैक है, तो यहाँ पर डॉग आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और चल देते हैं। देर इज़ अ बुक इन माई टेबल, यहाँ पर क्या है, देर इज़ अ बुक, एक टेबल है उसमें एक बुक पड़ी है, कोई भी बुक हो सकती है ना, तो ब स्पेसिफिक साउंड, वो कॉन्सोनेंट साउंड है यहाँ पे, तो ए हमने लगा दिया, एन लगा नहीं सकते थे। देर इज़ अ बुक इन माई टेबल, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ए लगा दिया, कोई स्पेसिफिक बुक है नहीं, कोई भी बुक पड़ी है। जब मैंने बताया कि द बुक इज़ हैवी, उस बुक के मैं बता रहा हूँ कि वो बुक जो है वो हैवी है, एक स्पेसिफिक बुक के बारे में बता रहा था ना, कौन सी बुक, वो बुक जो टेबल में पड़ी है वो हैवी है। मतलब पहले मैंने किसी को बताया कि टेबल में बुक पड़ी है, फिर उसी बुक के बारे में और बता रहा हूँ कि जो बुक है वो हैवी है, तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे आर्टिकल, आर्टिकल मैंने यहाँ पे द लगा दिया, दी नहीं बोलूँगा, द बोलूँगा। क्यों? क्योंकि वोवल साउंड तो यहाँ पर है नहीं, ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, वैसे हॉली बुक्स जो धार्मिक किताबें होती हैं उससे पहले भी द को यूज़ करते हैं। रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, तो द फ्रेंच रिवोल्यूशन बोलते हैं ना, तो उससे पहले भी द को यूज़ करते हैं। हेवनली बॉडीज, सिंपल अर्थ सन तो बोलते नहीं, द अर्थ द सन, दी अर्थ बोलेंगे, द सन बोलेंगे, इस तरह से भी चलते, तो द का यूज़ आपको सब कुछ समझ आ रहे होंगे। इनसे कुछ नहीं होता, आपको बेसिक मैंने आपको समझाया, इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, वोवल साउंड वाला कंसेप्ट समझना, वोवल कंसोनेंट साउंड वाला, और डेफिनेट का मतलब समझ गए, आप क्वेश्चंस कर लोगे। जो बेसिक थोड़े से कंसेप्ट रहते हैं वो मैं आपको समझाता जाऊँगा। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि द को कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करना है, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल मतलब ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जहाँ पर आप आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करते। हालांकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आता जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ बेसिक्स कवर करवा रहा हूँ इन चीज़ों को। या कभी भी किसी इंसान का नाम होगा उससे पहले दा यूज़ नहीं करना, जैसे एग्जाम्पल बोलूँगा आशीष इज़ अ ट्यूटर, ऐसे में बोलूँगा द आशीष इज़ अ ट्यूटर। ठीक है, तो कभी भी नाम से पहले, किसी के नाम से पहले दा यूज़ नहीं करना। किसी विलेज का नाम हो, किसी सिटी का नाम हो, किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम हो, उससे पहले दा यूज़ नहीं करना। कोई सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, आई लव दी मैथमेटिक्स नहीं बोलोगे, ठीक है, उससे पहले सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट से पहले दा नहीं यूज़ करना। किसी स्पोर्ट्स की बात कर रहे हो, स्पोर्ट्स कोई गेम वगैरह की बात करो, उससे पहले द यूज़ नहीं करना। फेस्टिवल से पहले द यूज़ नहीं करना। इन सभी चीज़ों को बोलते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। अब हम चलते हैं थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ, और कल के वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस वाले, जो कि जेके बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके काम आएंगे। ठीक है, हालांकि जेके एसएसबी वालों के भी काम आएंगे, बट जेके बैंक वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में यहाँ पर कहा गया है, ही इज़ डैश अनलकी मैन। कई सारे ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में है, द एन ए, या फिर इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ही इज़ डैश अनलकी मैन, अनलकी है ना। अब अनलकी देखो, अ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अनलकी वोवल वाली साउंड आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, ही इज़
एन अनलकी मैन आएगा ना, तो एन आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया है द लाइन इज डैश किंग ऑफ बीस्ट, लाइन जो है वो बीस्ट का राजा है, तो यहाँ पर द लाइन इज, अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, द आएगा, एन, ए या फिर कोई आर्टिकल नहीं है। द लाइन इज, द लाइन तो पहले कर दिया उसने, इज डैश किंग ऑफ बीस्ट, अब वो राजा तो है, वो राजा तो है, अगर सिर्फ होता कि द लाइन इज किंग हम बोलते द लाइन इज अ किंग, अ किंग क्यों, क्योंकि कर से आवाज़ आ रही है ना, तो कॉन्सोनेंट साउंड है वहाँ पे, द लाइन इज अ किंग आना था, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली गिवन है कि किसका राजा है, वो बीस्ट का राजा है, यहाँ पर गिवन है ना, तो स्पेसिफिकली यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, द लाइन इज द किंग ऑफ बीस्ट, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे द आपको ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई ईट एन एग डैश डे, मैं अंडा खाता हूँ दिन में, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है ए या फिर एन ही आएगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा अ डे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ड से आवाज़ आ रही है ना, तो एन तो हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, तो ए आपको यहाँ पर ए सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया आई वॉन्ट टू बी डैश एम पी, मैं एम पी बनना चाहता हूँ, अब यहाँ पर क्या आएगा, एम पी है ना, एम पी स्पेसिफिक तो यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ एम पी बनना है, तो एम की बात करो ए से आवाज़ निकलते हैं ना, एम पी पहले ए आता है फिर म लगाओगे तो एम बनेगा, तो यहाँ पर एन आ जाएगा, क्यों, वोवल साउंड आ रही है, तो एन आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर कहा गया है गिव मी डैश अम्ब्रेला विच यू बॉट यस्टरडे, मुझे वो अम्ब्रेला दो जो तुम कल लाए थे। अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक अम्ब्रेला की बात हो रही है, सिर्फ होता था गिव मी अम्ब्रेला, तो अब यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला ना, अम्ब्रेला अ से आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पर आप एन लगाते थे गिव मी एन अम्ब्रेला, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली गिवन है कौन सा अम्ब्रेला लेकर आओ, जो आप विच यू बॉट यस्टरडे, जो तुमने कल खरीदा था, ठीक है, तो यहाँ पे कल वाले अम्ब्रेला की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया स्पेसिफिक अम्ब्रेला की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गिव मी द अम्ब्रेला आ जाएगा, अम्ब्रेला, अब द नहीं आएगा, दी बोलेंगे, गिव मी दी अम्ब्रेला, क्यों, क्योंकि वोवल साउंड आ रही है ना, द आपको यहाँ पे दी की बात करें ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा, कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं हम अभी, और आपको भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। चलिए यहाँ पे हम चार पांच क्वेश्चंस और कर लेते हैं, फिर आज के वीडियो को एंड करते हैं। आपको पहले बताना चाहूँगा जो जेके लेटेस्ट इन्फो है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसी नाम से, हमारा इंस्टाग्राम भी है इसी नाम से, हमारा टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम में लड़कियों के लिए अलग ग्रुप है, लड़कों के लिए अलग ग्रुप है, जो लड़कों वाला ग्रुप है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और गर्ल्स जो है वो भी ग्रुप ज्वाइन करके हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें सेपरेट ग्रुप वगैरह का लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट रहता है यहाँ पे 2000 लाइक्स वाला, मुझे उम्मीद है आप लाइक करोगे और टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे, क्योंकि जेके SSB का जो इंग्लिश का सिलेबस है वो जल्दी कवर हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे हम जेके बैंक का इंग्लिश भी करवा रहे हैं, थोड़ा हमें सपोर्ट वगैरह चाहिए आपका, उसके अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे कि हमें बाकी सब्जेक्ट भी यहाँ पे स्टार्ट करने चाहिए या नहीं स्टार्ट करने चाहिए, वो हम यहीं से देख लेंगे, ठीक है। अब हम बाकी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आपको बताना चाहूँगा किसी भी तरह का डाउट रहता है आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है, अगर कभी फास्ट वगैरह पढ़ाया हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि आने वाले वीडियोस में स्पीड कम कर सकूँ या बढ़ा सकूँ, आपके फीडबैक के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है ही इज़ डैश यूरोपियन, कई सारे ऑप्शन हैं, अब यहाँ पर देखो ही इज़ यूरोपियन है ना, तो य से आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पर क्या है, ऑब्वियस सी बात है ए आ जाएगा, क्योंकि य की आवाज़ आ रही है, वोवल साउंड तो है नहीं, तो ए आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ए आपको यहाँ पे बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं, यहाँ पर कहा गया है आर यू अटेंडिंग डैश रिसेप्शन टुडे, क्या तुम जो रिसेप्शन है आज वो अटेंड कर रहे हो, करने जा रहे हो, फिर कर रहे हो, तो आर यू अटेंडिंग द रिसेप्शन आ जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलरली बता रहे हो ना क्या अटेंड करना है, रिसेप्शन अटेंड कर रहे हैं ना आज की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे द आ जाएगा। आगे चलते हैं डैश मीट यू कुक्ड टेस्ट गुड, वो मीट जो तुमने कुक किया था उसका टेस्ट अच्छा था, एक स्पेसिफिकली उस मीट की बात करें जो तुमने कुक किया था, तो यहाँ पे स्पेसिफिक इस चीज़ की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द आ जाएगा, दी नहीं होगा, द आ जाएगा, मीट है ना, म वाली आवाज़ आ रही है, वोवल साउंड नहीं है, तो द आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं ही इज़ डैश ऑनेस्ट ऑफिशियल, ऑनेस्ट है ना, ऑनेस्ट अ से आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन यहाँ पर आ जाएगा, एन आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। डैश एप्पल्स आई बॉट आर सॉर, वो एप्पल्स जो मैंने खरीदे थे वो खट्टे थे, अब यहाँ पे पर्टिकुलरली उन एप्पल्स की बात की जा रही है जो मैंने खरीदे थे, तो यहाँ पर द आ जाएगा, द एप्पल्स, ठीक है, तो यहाँ पर एन नहीं आएगा, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ कि वो एप्पल्स जो मैंने खरीदे वो खट्टे हैं, तभी अभी पर्टिकुलर स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पर द आ जाएगा, ठीक है। हालांकि आपको ऑप्शन में नो आर्टिकल और ए देख रहा होगा, बट यहाँ पर द भी था, वो करेक्ट हो जाएगा। किसी भी तरह का डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।